हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं ऑटो गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, ये जो मैं वीडियो आपके लिए लाया हूं, ये है फ्यूल मीटर कैलिब्रेशन। और इस गाड़ी में जिसका मैं फ्यूल मीटर कैलिब्रेशन करने वाला हूँ, इसमें एनालॉग मीटर नहीं है, इसमें है डिजिटल मीटर। और आप जानते हैं डिजिटल मीटर में रिजर्व का अंदाज़ा या रिजर्व आपको पता चलता है ब्लिंकिंग से, यानी लास्ट वाला जो फ्यूल गेज का जो बार होता है लास्ट वाला, वो जब ब्लिंक करने लगता है तो आपको पता चल जाता है कि गाड़ी में रिजर्व लग चुका है। तो जब वो बार जो है ब्लिंक करता है आपका, तो उस वक्त उस गाड़ी में कितना पेट्रोल है वो हम आज प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे। और पेट्रोल नाप के बिल्कुल गाड़ी के अंदर डालेंगे। गाड़ी को हमने पेट टैंक को पूरा खाली कर लिया है बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद नाप के पेट्रोल जग से लीटर से नाप के हम डालेंगे इसमें और देखेंगे कि गाड़ी के अंदर जब ब्लिंक करता है तो कितना पेट्रोल उसके अंदर रह जाता है ब्लिंक करना जब स्टार्ट करता है। तो हम इसमें पेट्रोल डालेंगे, आधा लीटर डालेंगे पहले। आधा लीटर में ये देखेंगे कि ब्लिंकिंग जो है वो बंद होती है या नहीं होती है। अगर बंद हो जाती है इसका मतलब वो वहाँ पर उतना रहता है। फिर आधा लीटर और डालेंगे, फिर देखेंगे कि वहाँ पर ब्लिंकिंग उसकी बंद होती है या नहीं होती है। यानी जहाँ ब्लिंकिंग करना बंद कर देगा वो, वहीं आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि ये यहाँ पर लास्ट वाला बार ब्लिंक कर रहा है, हम गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। इसके अंदर पहले हम आधा लीटर पेट्रोल डालेंगे, देखेंगे ब्लिंकिंग बंद होती है या नहीं होती। फिर आधा लीटर और डालेंगे, देखेंगे एक लीटर में बंद होती है या नहीं होती। कितने लीटर में ये बंद होती है उससे आइडिया लगेगा कि हमारी रिजर्व में कितना पेट्रोल रहता है। तो दोस्तों, चैनल को अगर आप पहली बार हैं चैनल पर, वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले इसी तरह के वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, जिस गाड़ी का हम कैलिब्रेशन करने जा रहे हैं वो है होंडा की SP125, जो 125 सीसी की बाइक है। और इस वक्त इस बाइक ने धूम मचा रखी है, बहुत ज़्यादा ये गाड़ी बिक रही है 125 सीसी में। और दोस्तों, मैं इसका कैलिब्रेशन करने के लिए आया हूँ अलीगढ़ में GT रोड पर, मैस्कॉट होंडा पर। और अगर आपको इस गाड़ी की कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप मैस्कॉट होंडा में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि इसके अंदर बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। मैं स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूं। ब्लिंकिंग मैंने आपको दिखा दी अभी, और ये देखिए मैं स्टार्ट भी इसको कर लेता हूं। तो ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल भी गाड़ी बंद हो जाती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे सिर्फ आधा लीटर पेट्रोल और देखेंगे कि ये ब्लिंकिंग बंद हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, मैंने फ्यूल कैप खोल लिया है। गौरव भाई, डालिए इसमें आधा लीटर और देखिए, मैं आधा लीटर पेट्रोल टेस्ट में डलवाता हूं। ये देखिए, आधा लीटर पेट्रोल हमने इसमें डाल दिया है और मैं कर लेता हूं फ्यूल कैप को बंद। फ्यूल कैप को बंद करने के बाद फिर से हम इसको, इग्निशन मैंने ऑन कर दिया है और गाड़ी को स्टार्ट भी कर देता हूं। देखिए, ब्लिंकिंग अभी जारी है, ब्लिंकिंग कंटिन्यू हो रही है इसमें। तो अभी हम इसमें और पेट्रोल डालेंगे थोड़ा सा। अभी मैं आधा लीटर पेट्रोल और डालता हूं इसमें। मैं आधा लीटर इसलिए डाल रहा हूं शुरू में दोस्तों, क्योंकि कंपनी इसमें कहती है कि जो ब्लिंकिंग स्टार्ट जहाँ होती है तो वहाँ 0.8 लीटर पेट्रोल रहता है, यानी 0.8 लीटर का इसमें रिजर्व है, 1 लीटर से 200 ml कम। तो इसलिए अब मैं आधा लीटर पेट्रोल और डालता हूं। तो आई थिंक 1 लीटर पेट्रोल में इसकी जो ब्लिंकिंग है वो बंद हो जानी चाहिए। पेट्रोल में इसमें और डालता हूं, इसके लिए मैं खोल लेता हूं फिर से फ्यूल कैप और ये डालते हैं। गौरव भाई डालिए, और गौरव भाई पेट्रोल पे पेट्रोल डाले जा रहे हैं इसके अंदर। दोबारा से ही आधा लीटर पेट्रोल डालेंगे इसमें और ये डाल दिया। अब ये मैं फ्यूल कैप बंद करके मैं गाड़ी को ऑन कर लेता हूं। दोस्तों, अब इसके अंदर 1 लीटर पेट्रोल चला गया और आप देख सकते हैं यहां पर ब्लिंकिंग जो है बंद हो चुकी है। अब आपका ये जो बार है, लास्ट वाला बार, ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। इसका मतलब कंपनी जो कहती है कि 0.8 लीटर में ये ब्लिंकिंग, आपका जो रिजर्व कैपेसिटी है इसकी, वो 0.8 लीटर है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर बिल्कुल सही कैलिब्रेशन यहाँ पे आ रहा है और इसके अंदर 0.8 लीटर ही करीब करीब पेट्रोल आता है जब इसकी ब्लिंकिंग स्टार्ट होती है। जब आपकी गाड़ी में 0.8 लीटर या 1 लीटर के आसपास जब पेट्रोल होता होगा, तब ये ब्लिंकिंग स्टार्ट करता होगा आपकी, 0.8 लीटर पे स्टार्ट करता होगा।
तो दोस्तों इस गाड़ी का माइलेज करीब आता है 65-70 के आसपास, तो 0.8 लीटर या 1 लीटर में आप करीब 60 किलोमीटर या 55 किलोमीटर तो बड़े आराम से चल सकते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर बिलिंग कर रहा है। लेकिन जरूरी है कि आप जब बिलिंग स्टार्ट करें तो तुरंत डलवा लें इसमें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अब मैं इसमें 1 लीटर पूरा पेट्रोल डालूंगा तो 2 लीटर पेट्रोल हो जाएगा। तो 2 लीटर पेट्रोल में ये कितने बार इसमें आते हैं और कहां क्या पोजीशन रहती है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें 1 लीटर पेट्रोल अब और डाल लेता हूं। इसके लिए मैं खोल लेता हूं फ्यूल कैप यहां से, और अब देखेंगे कि इसमें कितने बार इसमें बिलिंग करते हैं। और ये 1 लीटर पेट्रोल और डाल लेते हैं, यानी इसके अंदर अब टोटल 2 लीटर पेट्रोल हो जाएगा पूरा। तो 2 लीटर पेट्रोल में हम टैंक की सिचुएशन देखेंगे। दोस्तों ये 10.5 या 11 लीटर के आसपास का टैंक है, तो अब 2 लीटर में अक्सर 2 लीटर तो पेट्रोल लोग डलवाते ही हैं, या 1 लीटर भी आप अगर रिजर्व लगने के बाद 1 लीटर भी डलवाएंगे तो कितना आपका बार ऊपर बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ये अभी देखेंगे हम। देखिए तो मैं गाड़ी को कर देता हूँ स्टार्ट, मैं गाड़ी को स्टार्ट भी कर देता हूँ। देखिए 1 पॉइंट इसमें बढ़ गया है। तो आप यहां से सीधा सीधा देख सकते हैं कि जो 2 लीटर पेट्रोल है इसके अंदर तो 2 बार इसमें बन के आपके आ गए हैं, 2 पॉइंट इसमें बन चुके हैं, ये आप देखिए, यानी 2 लीटर में 2। बाकी तो आप ऊपर जितना डालते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, लेकिन हमारा कैलिब्रेशन यहीं तक था। तो अगर दोस्तों वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो दोस्तों को शेयर जरूर करें, ये उनके लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं किसी और गाड़ी का जो आप यूज़ करते हैं उसका मैं कैलिब्रेशन आपके लिए करूं, तो मैं ज़रूर उसका कैलिब्रेशन करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।